hello everyone how are you I hope you all will fine So in this video what will we make here you can guess by the help of the picture what is this fish yes so we'll learn today F what is this F? This is small cursive letter F, and this is capital letter F. F is for fish. F is for fan. F is for fish. F is for frogs. Okay. So, firstly, we'll do the writing work. After completing it, we'll do the activity. Okay. So, let's start. I will do it. How to make this is also a four line. Yeah, all line cuts the alphabets means what I say this four line alphabets because it it occupies all four lines means स्लैटर को बनाने में हम हमारी फोर लाइंस का पूरा यूज़ करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली एज यूजली वील जूता ट्रेसिंग सो सिंपली ट्रेस इट ट्रेसिंग करना है हमें ठीक है जो जैसा ट्रेस दिया हुआ है हमें उसको ट्रेसिंग करना है देखिए ड्रेसिंग कराने का मेरा मोटिव क्या होता है मैं सिर्फ इसमें एक लाइन बता रही हूँ आप उसको चाहें अब देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स डिपेंड ऑन योर चाइल्ड एबिलिटी या का चाइल्ड कैपेसिटी अगर उसकी कैपेसिटी पावर अच्छी है तो बहुत जल्दी बना लेते हैं इफ़ यू थिंक दैट कि इफ यू डोंट नीड सो यू कैन स्किप इट अदरवाइज ट्रेसिंग से ये होगा कि डायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ यहाँ ऐसा बन सकता है बट अगर हम प्रॉपर दे देंगे तो हाँ प्रॉपर फाइन तरीके से बनाएंगे वो चलिए अब विदाउट ट्रेसिंग बनाते हैं तो कहाँ से थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है कहाँ से करना है थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हो ऊपर तरफ जाना है तो फर्स्ट लाइन उसको टच करके फिर वापस से लास्ट के फोर लाइन तक आना है फिर जहाँ से हम स्टार्ट करते तो वहाँ तक जाके और ऐसे देखिए बढ़िया और देखते हैं थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए ओपर साइड तक जाना है ऊपर का फिर वापस आना है हमें फोर्थ लाइन तक फिर वापस जाना है थर्ड लाइन पे फिर ऐसे कर्व बना देना है ऊपर जाना है नीचे आना है कर बना देना है ऊपर जाना है नीचे आना है कर्व बना देना है ऊपर जाके नीचे आके बहुत इजी हो जाता है एक बार अगर बनाने लग जाते हैं फ्लो आ जाता है बच्चों को तो ये देखिए ये भी एल से मिलके ही बन रहा है देखो पहले हम इसमें एल बना रहे हैं ये वाला स्ट्रोक बना रहे हैं ना एल इसी एल को बढ़ाते हुए नीचे तक ले जाए फोर्थ लाइन तक फिर वापस यहाँ आते तक ऐसा कर देना है ठीक है तो इस तरीके से आपको बनाना है और आपको लगता है कि ये कंप्लीट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे को जॉइनिंग भी दे सकते हैं और जॉइनिंग देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा लेटर एंड होता है ना वहीं से हम जॉइनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे हमने ये बनाया एफ हमारा लेटर कहाँ से एंड हो रहा है यहाँ से तो इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से ठीक है ये हमारा जॉइनिंग ये टफ होगा ये हमें तब कराना है जब बच्चे सीख जाते हैं ठीक है उनका प्रॉपर फाइन हो गया है उनका अच्छे से बन रहा है वरना पहले आप फोकस सिंपल लेटर्स पे करिए ज्वाइनिंग बात का काम है आप पूरे लेटर सीखने के बाद भी ए टू जी सीख चाहते हैं उसके बाद फिर हम दोबारा से जॉइनिंग सीखेंगे जैसा कि मैंने बोला कि नाव क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं स्कूल बंद हैं तो मैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ जैसे स्कूल में करते हैं किसके बाद क्या करना इसलिए से मैं सेपरेट सेपरेट सीरीज़ बना रही हूँ ए टू जी की ए टू जी की कैपिटल सीरीज़ भी बना चुकी हूँ मैं वो भी आप जाके देख सकते हैं और ये कर्सिव की बना रही हूँ उसके बाद कैपिटल कर्सिव की भी आपके सामने लेकर आऊँगी तो ये इसीलिए मैं बताऊँगी तो उसमें आगे चल के जब अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें जॉइनिंग का भी देखेंगे इसलिए आपको मेरे सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे उसको फॉलो करना होगा चलिए राइट नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम राइट एफ ऑन द फ्रॉक्स इसके सडन बाद हम एक्टिविटी क्यू प्लान कर लेते हैं क्योंकि अभी उसने बनाया हुआ है तो करंट में इजी हो के बना लेंगे चलिए तो क्या है ये बड़े क्यूट क्यूट से फ्रॉक्स हैं हमें इनमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स हमें इसके ऊपर एफ़ लिखना है ठीक है तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं एफ को कंप्लीटेड ठीक है देखिए जैसे बाहर बनाया था वैसे ही बनाना कुछ नया नहीं करना है इसमें जैसे हमने बाहर बनाया था वैसे ही इसमें अंदर बनाना है हो गया चलिए नेक्स्ट क्या है फिल एफ इन द ब्लैंक्स मीन्स आई रोड सम स्पेलिंग्स हेयर ओके सो इन दीज ब्लैंक्स वी हैव टू फिल द एफ ओके मीन्स इन ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना है एफ फिल करना है सो लेट स्टार्ट यहाँ ब्लैंक्स है हम क्या बना देंगे यहाँ पर एफ तो क्या बन गया एफ ए टी फैट द साउंड्स ऑफ एफ इज फो एस ए इसमें बीच में है ब्लैंक तो so हम यहां एफ बना लेंगे ये एफ ई -E, तो सेफ ठीक है का साउंड करते हुए फ थोड़ा सा एयर बाहर आता है ओके नाउ हियर एफ यू एन फन नेक्स्ट जी आई एफ टी गिफ्ट सो नाउ इट्स डन ठीक है एक्टिविटी भी हो गई है हमारी और लेक्चर भी कम्प्लीट हो गया है तो बहुत ईजी है मैं प्रॉपर फॉर्मेशन्स के साथ में बता रही हूँ आपको ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो चाहे उनको सिखाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लव इट्स सो प्लीज़ शेयर करें हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ठीक है अगर आपको लगता है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ठीक है और मैं आपके लिए और भी सारी वीडियोस ला रही हूँ सीरीज वाइज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको मिल जाएंगी मैथ्स हिंदी सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी ठीक है जितना पॉसिबल हो रहा है मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए तो आप देखती रहिए स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करती रहिए और आपके चाइल्ड को घर पर पढ़ाते रहिए तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो थैंक यू बाय